तो खूबसूरत आ रही है बीड से, जहां पर पंकजा मुंडे जो हैं उम्मीदवार हैं, वहां पूजा अर्चना हो रही है, उनकी उनकी माता वहां पर उनसे आशीर्वाद लेते हुए। हमेशा मतदाताओं का उत्साह देखा गया है, हमारे अच्छे मतदान होगा और बाकी भी जिलों में जरूर गर्मी है, पर एक दिन अपने मतदान का हक ये हमारे देश के लिए भी जरूरी है तो लोग जरूर आएंगे, मुझे विश्वास है। मतलब ही पहली निवडणूक आहे लोकसभेची, त्या निवडणुकीला सामोरे जाताना काय वाटतं, आता किती कॉन्फिडेंट आहात, अगदी काही म्हणजे मतदान प्रक्रिया आता सुरू झालेली आहे? माझ्या राजकीय जीवनामध्ये फेज में और दुसरे फेज में चौथा फेज है, कम वोटर टर्नआउट देखने मिल रहा है, क्या अपील करना चाहते हैं कि भारत? देखिए आपने कह ही दिया बोलते बोलते कि 400 में आप आने वाले हैं, तो ये आपका आशीर्वाद समझ के मैं स्वीकार करती हूँ। जरूर मुझे विश्वास है, क्योंकि जब पहली बार अमित भाई ने नारा दिया था तो वो नारा पूरा होगा कि नहीं ऐसा सबको लगता था, वो पूरा हुआ है। तो अभी 400 पार का नारा अगर दिया है मोदी जी ने तो ज़रूर मुझे लगता है वो पूरा होगा, और विश्वास भी है, क्योंकि जब चार राज्यों के चुनाव हाल ही में हुए तब पंकजा नहीं लगा था कि ऐसे। पंकजा मुंडे की बहन पिछली बार यहां से सांसद थी, वो राज्य की राजनीति में थी, लेकिन अब वो लोकसभा का चुनाव चल रहा है। गोपीनाथ मुंडे की बेटी है पंकजा मुंडे, बीड़ महाराष्ट्र से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, और वहां पर बीड़ में अभी भी मौसम का दिक्कत है, वहां पर बहुत गर्मी रहती है, अभी गर्मी है भी। इधर उज्जैन से उम्मीदवार के साथ मौजूद हैं मनोज, दिख रहे हैं जी मनोज। अनिल फिरोजिया, देखिए आप वोट डाल के आ गए हैं, जरा इन्होंने मतलब वोट डाला है उज्जैन महाकाल की नगरी में, दूसरी मर्तबा ये फिर से मैदान में है। अनिल फिरोजिया सर, आपसे ये पूछूं सवाल तो मतलब सवाल ही गलत हो जाएगा कि आपका वोट मतलब क्या सोच के वोट डाला? बिल्कुल, देश के विकास के लिए और देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, विश्व को विश्व की तीसरी शक्ति बनाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए भारत को ये मतदान करा है। तो मतलब आपके लिए लगता है कि वही मोदी की गारंटी गारंटी की गारंटी, यही आपका सबसे प्रमुख मुद्दा था? बिल्कुल, हमारा मुद्दा क्या था, जनता का मुद्दा, जनता को विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की, मोदी की गारंटी रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, उसी को आत्मसात करते हुए मोदी जी की गारंटी, और मोदी जी उसी को आत्मसात करके काम करते हैं, और लोगों को बिल्कुल विश्वास है कि रघुकुल की जो रीत है वही मोदी जी ने आत्मसात कर रखी, इसलिए गारंटी की गारंटी। ये राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि वो तो उन्होंने एक बात चली, उन्होंने कहा कि मैं खुली बहस करने के लिए तैयार हूं प्रधानमंत्री के साथ। आप सबको मालूम है कि राहुल गांधी जी का आईक्यू कितना तेज है, उनको यही नहीं मालूम कि आलू जमीन के नीचे उगता है कि जमीन के ऊपर पेड़ पे उगता है, उनको यही नहीं मालूम कि आटा लीटर में मिलता है कि किलो में मिलता है। बिल्कुल मनोज, लौटेंगे आपके पास। तो अनिल फिरोजिया कैंडिडेट है बीजेपी के और काफी आशान्वित नजर आ रहे हैं। जरा एक बार फिर से पश्चिम बंगाल का रुख करते हैं। आशिका मेरी सहयोगी वहां पर है, आशिका है तो आप बहरामपुर में, आपने बात सुना दी यूसुफ पठान की, आपने अधीर रंजन चौधरी से भी बात की, लेकिन जो बाकी की कुछ और सीटें हैं, आसनसोल जहां जबरदस्त मुकाबला एसएस आलूवाली और शत्रुघ्न सिन्हा का, बीरभूम, वहां से क्या खबरें आ रही हैं आपके पीछे, हम देख रहे हैं लंबी कतार नजर आ रही है अब लोगों की? बिल्कुल पंकज, लगातार मेरी नजर बनी हुई है और हर खबर छोटी मोटी भी हिंसा की जो है धक्का मुक्की की कई जगहों पर आरोप लग रहे हैं वो सब मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। उस बीच आपको कतार जरा दिखाऊं, देखिए स्कूल के सामने महिलाओं की जो कतार है खासतौर पर वो देखने लायक है, क्योंकि घरों में काम होता है, खाना बनाना होता है, खाना वाना बनाकर निकली है, जाके बनाएंगी तो पहले वोट उसके बाद कुछ और। देखिए ये तस्वीरें, मुस्कुराहट सबके चेहरे पर, खाना बनाकर आई है कि जाकर बनाऊं? नहीं जाके बनाऊं। देखिए सुबह सबसे पहले वोट पश्चिम बंगाल में, जो अरुण की शिकायत थी ना कि लोग नहीं आ रहे, यहाँ पर देखिए कतार बढ़ती ही जा रही है। दूसरी तरफ आपको पुरुषों की कतार भी मैं दिखाऊंगी, यहाँ भी लोग सुबह से, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आमतौर पर ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज होता है, बात करें दूसरे जगहों पर तो आसनसोल का मुकाबला वो भी बहुत बड़ा है पंकज, क्योंकि वहाँ पर टक्कर है, एक तरफ एसएस अहलूवालिया हैं बीजेपी के सीनियर नेता हैं, दूसरी तरफ शत्रुघ्न सिन्हा हैं जो पिछली बार जब उपचुनाव हुआ था तो वो सीट भाजपा से उन्होंने हासिल कर ली थी। और दुर्गापुर की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि दिलीप घोष का मुकाबला वहां पर कीर्ति आजाद के साथ है। इस बार शताब्दी रॉय, महुआ मोइत्रा जो
विवादित नेता या फिर उनकी बातें हमेशा विवाद पैदा कर देती हैं। टीएमसी की वो नेता वो भी मैदान में है क्योंकि उनको निष्कासित किया गया था जब कैश फॉर क्वेरी मामले में, तो तभी सबसे पहले ममता बनर्जी ने घोषित कर दिया था कि महुआ तो ज़रूर चुनाव लड़ेंगी। उनके खिलाफ इस बार मैदान में राज परिवार की रानी माँ है अमृता रॉय, तो क्या होता है इन बड़े नेताओं का ये देखना होगा। इस बीच इस बार एक बार फिर तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं और देखिए यहाँ पर नारी शक्ति की हम बात करें तो देखिए जो आपको यहाँ पर सुरक्षा कर्मी हैं वो भी देखिए महिला सीआरपीएफ की सेंट्रल फोर्सेस बिल्कुल लौटेंगे आपके पास किशोर। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हैं तो पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उधर कन्नौज से बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक से अरुण ने बात की है, वो सुन लेते हैं। हमारे साथ सुब्रत पाठक जी हैं। सुब्रत पाठक जी, अभी अभी आप शिवलिंग पर जल चढ़ा के आए हैं सवेरे सवेरे, संसद में तो आपसे मुलाकात होती है, आपके घर पे दूसरी बार 2019 में भी हम लोग आए थे, इस बार क्या उम्मीद है? क्योंकि समाजवादी पार्टी का किला आपने ढाया था, इस बार वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी का किला ढा देंगे। देखो जो राम को लाए हम उनको लाए, जनता इस ये चिल्ला रही है। कुल मिलाकर देखो बहुत स्पष्ट है कि मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर, और मोदी जी ने अगर गरीब शोषित वंचितों का कल्याण किया है, उनकी समस्याओं का समाधान किया है, तो भारत का सम्मान भी दुनिया में बढ़ाया है और दूसरी हमारे आस्था को भी सम्मान दिलाया है। तो लोगों को लगता होगा, लेकिन हमारे नाम जो बरसों से टेंट में रहे, तो सोचो जिस दिन उनका मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी कितनी आंखों में आंसू थे, आज शायद कोई कल्पना भी इस बात को नहीं कर सकता। और वो जो कभी जालीदार टोपी लगाकर घूमा करते, ये लोग जो जा जाकर मदरसों पर चादर चढ़ाते थे और मुख्तार अंसारी की कब्र पर जाकर जो फातिया पढ़ते थे, इन लोगों को ये चीज़ कभी समझ में नहीं आएगी जो राम मंदिर को ताला लगा देने की बात सोच भी सकते हैं। एक सवाल ये भी कि बड़ी तलखी है इस बार, इतना तलखी कन्नौज में कभी थी नहीं सुब्रत पाठक के आने के बाद, उसकी वजह क्या? और वो कह रहे हैं फर्जी वोटिंग होने नहीं दी जाएगी। नहीं, फर्जी वोटिंग तो नहीं होगी, ये तो दिमाग से निकाल दे जिसके अंदर, जिसने भी सोचा होगा फर्जी वोटिंग होगी तो अखिलेश यादव की सरकार नहीं है ये जो गुंडागर्दी से फर्जी वोट डला लिए थे, ये भाजपा की सरकार है, एक भी फर्जी वोट नहीं पड़ेगा, दिमाग से निकाल दे जिसके भी दिमाग में हो। और दूसरी तरफ काशी पर आज सबकी नजरें हैं, प्रधानमंत्री का रोड शो होगा, भव्य तैयारियां की हैं इस बार बीजेपी ने। शालिनी मेरी सहयोगी वहां पर मौजूद है, शालिनी लोग जुटने शुरू हो गए हैं, अब दो दिन के लिए वहां पर उत्सव जैसा माहौल होने वाला है। बिल्कुल, और देखिए काशी है तैयार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है इंतजार। जंगमबाड़ी इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, 8वीं सदी का मठ यहीं पर इसी जंगमबाड़ी इलाके में, और प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आएंगे तो कुछ देर रुकेंगे, यहाँ पर आधे से एक मिनट बताया जा रहा है रुकेंगे। मेरे साथ इस वक्त रविंद्र जायसवाल है, उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार मंत्री है। क्या क्या तैयारी आज हुई है काशी में? काशी के सांसद देश के प्रधानमंत्री के आज बाबा का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, जो रोड शो में बदल गया है, पूरे काशी के लोग इन रोडों पर आकर के अपने घरों को सजा रहे हैं, फूल से, माला से, लाइट से, झंडे से पूरा शहर भर दिया गया। लेकिन ये तैयारी का असर कितना होगा, 4 जून को असर क्या होगा? 4 जून में विपक्षियों को जमानते जब्त, काशी 10 लाख के पार। काशी 10 लाख के पार, लेकिन 400 पार होगा कि नहीं होगा? 400 के पार, देश में 400 के पार, काशी 10 लाख के पार, हमारे विधानसभा 2 लाख के पार। 400 पार के लिए विपक्ष कह रहा है संभव ही नहीं है, तो जुमला है एक बार फिर से। अभी सामने से गुजरे हैं प्रत्याशी विपक्ष के, यहाँ से गए, वही मान लिए थे कि मेरी जमानतें जब्त हो गई। क्या मोदी जी के लिए क्या तैयारी की है, कुछ लेवे के आए, गिफ्ट देंगे? मोदी जी के लिए पूरा बनारस जो है पलक पावड़ा बिछा के खड़ा हुआ है, और एक एक बनारस वासी जो है अब हृदय से उनका जो अभिनंदन करने के तैयार। तो ये जो रोड शो होगा, ये आज का बड़ी हाईलाइट यहाँ पर रोड शो, और वो पूरा न्यूज 18 इंडिया पर पूरी तैयारी है इस रोड शो को अच्छी तरह से दिखाने की। चप्पे चप्पे पर हमारे साथी वहाँ पर मौजूद हैं, और इन 96 सीटों पर भी मौजूद हैं जहाँ इस वक्त पोलिंग चल रही है। पोलिंग के आंकड़े 9 बजे तक के कुछ देर में आने वाले हैं, उन पर नजर रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हम ले रहे हैं। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। यह चौथे चरण का मतदान चल रहा है, 7 बजे शुरू हो चुका है मतदान चौथे चरण का, यानी 96 सीटों का। 284 सीटों पर पहले 3 चरण में मतदान हो चुका, 96 पर आज हो जाएगा, कुल मिलाकर आज के बाद हो जाएंगी 380 सीटें, फिर बचेंगे बस 3 चरण, और 3 चरण के बाद 4 जून को नतीजे। लेकिन आज
13 मई 2024 को चौथे चरण का बिल्कुल मिड पॉइंट पे पहुंचा हुआ है चुनाव। 13 मई की तारीख याद रखिए पंकज, 20 साल पहले 13 मई 2004 को ही नतीजे आए थे, पहली बार वो ईवीएम के नतीजे थे, पहली बार ईवीएम के नतीजे थे और सरकार को एक झटका लगा था। बिल्कुल, और इस बार 13 मई को चौथे चरण का मतदान हो रहा है, 4 जून को फैसला होगा। इस बीच आपको बड़ी खबर एक और बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वाराणसी दौरा है, आज उनका वहां रोड शो होने वाला है, भव्य तैयारियां हुई है, मेगा रोड शो प्रधानमंत्री का है, और कल सुबह 11:40 पर प्रधानमंत्री वाराणसी में अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और इस मेगा शो पर न्यूज एटीन इंडिया की सबसे बड़ी कवरेज ग्राउंड से होगी, आपको दिखाएंगे पल पल की खबर वहां से। जी, और ग्राउंड पर हमारे साथी अभी भी मौजूद हैं, वो देखिए कन्नौज में अरुण सिंह दिख रहे हैं मुझे सुब्रत पाठक के साथ। शासन है और कोई भी कभी भी कहीं भी जा सकता है, आ सकता है, कोई किसी को रोक नहीं सकता, किसी को टोक नहीं सकता। नहीं, इस प्रदेश में तो ये होता था कि 25-50 हज़ार रुपये देकर भी किसी की हत्याएं हो जाती थी, और आज जानता है कि हम अगर किसी की हत्या करके आएंगे तो हम भी 2 दिन बचने वाले नहीं। तो ये देखो बहुत कुछ है। अरुण वहां मौजूद कन्नौज में, वहां सुब्रत पाठक को इस बार चुनौती दे रहे हैं खुद अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। पिछली बार डिंपल यादव को सुब्रत पाठक ने हराया था कन्नौज से। बिल्कुल, और इस बार मुकाबला उनका अखिलेश यादव से है, सुप्रीमो है वो समाजवादी। बहरहाल आज की खबर यह है कि लाइनें आज अच्छी खासी सुबह से दिख रही हैं, जगह जगह दिख रही हैं। बेगूसराय में मौजूद है चंद्रमोहन, वो देखिए वहां पर चंद्रमोहन लाइन लग गई है वहां पर काफी। बिल्कुल, सीधी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जहां पर चकिया इलाके में एक स्कूल में देखिए किस तरह से 3 कतारें लगी हुई है और तीनों लंबी लंबी है, बीच में महिलाएं खड़ी हैं तो दूसरी तरफ जो है वो पुरुष खड़े हैं, और फिर अगर दूसरे तरफ आप जाएंगे तो एक तरफ देखिए किस तरह से जगनमोहन रेड्डी YS जगनमोहन रेड्डी कड़पा में वोट देने पहुंचे हैं, कड़पा की लोकसभा सीट और वहां पर तो विधानसभा के भी चुनाव हो रहे हैं साथ में। बिल्कुल, तो ये बेहद महत्वपूर्ण जगह है और यहाँ पर इस वक्त देख रहे हैं सीएम जगनमोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के सीएम पहुंचे हैं अपना मत का प्रयोग करने, और नेता सबसे पहले पहुंचते हैं ये चुनावों में हम देखते हैं, और ये कहीं ना कहीं चूंकि जनता की नुमाइंदगी करते हैं तो ऐसे में वो एक मिसाल भी रखते हैं कि भैया हम वोट करने सुबह सुबह आए, आप भी बढ़ चढ़ कर वोटिंग में हिस्सा लें। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है अधीर रंजन चौधरी, कुछ कह रहे जरा सुन लेते अगर हिंदी में बात कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी का भी आज चुनाव है, जी किशन रेड्डी का भी चुनाव है, देखिए वो भी खुद अभी मतदान देकर आए हैं, उनको भी सुन लेते हैं। किशन रेड्डी गारू, जेपी नड्डा गारू अंदर